जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करते हैं, जब चंद्रमा प्रथम घर में मकर राशि का बैठा होता है तो किस प्रकार का प्रभाव देता है जातक को, कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं अगर बल में कमज़ोर होते हैं चंद्रमा, और फिर जब चंद्रमा दूसरे ग्रहों के साथ भी युक्ति करता है मकर राशि में बैठा हुआ, तो किस प्रकार का फल देंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, आपको जो है अच्छे सुंदर पॉइंट्स प्राप्त होंगे, इससे अपने बारे में आप ज़्यादा जान पाएंगे। दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आपका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस टाइम टू टाइम आपको प्राप्त होते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, आपको अपना बर्थ चार्ट मेरे द्वारा पढ़वाना हो, किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं हमेशा, और हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं। दोस्तों बहुत आसान है मुझे व्हाट्सएप और कॉल करना। दोस्तों जिनके पत्री में प्रथम घर में मकर राशि में चंद्रमा बैठे होते हैं, ऐसे जातक जो हैं वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं और हास्य प्रिय होते हैं। उनको उनको जो है वो हंसी मजाक करना अपने जीवन में, अपने लोगों के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। विद्या में जो है वो निपुण होते हैं, विद्यावान होते हैं आप ये कह सकते हैं, विद्या की तरफ उनकी रुचि होती है, और हर प्रकार का जो है विनम्रता होती है उनके अंदर, शिष्ट होते हैं, विनम्र होते हैं हर चीज़ में। सुंदर पार्टनर उन लोगों को अपने जीवन में प्राप्त होता है जिनके प्रथम घर में मकर राशि में चंद्रमा बैठे होते हैं, और जो पार्टनर होते हैं वो सुंदर के साथ साथ आपके ऊपर जो है उनका प्रभाव भी रहेगा। जिनकी भी पत्री में मकर राशि के चंद्रमा बैठे होंगे प्रथम घर में, उनके उन जातकों के ऊपर जो है अपने पार्टनर्स का, अपने लाइफ पार्टनर का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ये लोग ज़्यादा बातें करने वाले होते हैं, आप इनको बातूनी कह सकते हैं, इसीलिए मन में कुछ नहीं रखने वाले होते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं ये जातक, सबसे बात करते हैं। बात करना इन लोगों को पसंद होता है, भोजन प्रिय होते हैं, भोजन हर प्रकार का इनको पसंद होता है, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं, एंटीक चीज़ें होती हैं, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा, ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो इनको बहुत प्रिय होती हैं। यात्रा इनको करना बहुत सुखद लगता है। विदेश वासी भी होते हैं जिनके प्रथम घर में चंद्रमा बैठे हों मकर राशि के, उनका विदेश वास भी संभव होता है, वहाँ रहने वाले हों या वहाँ नौकरी करने वाले हों। प्रेम इनको प्राप्त होता है, इनके जीवन में प्रेम इनको प्राप्त होता है, स्नेह प्राप्त होता है, अपने परिवार से प्रेम करने वाले ये लोग होते हैं। आप ये समझ लीजिए जिनका चंद्रमा पहले घर में मकर राशि का बैठा होता है वो बहुत लॉयल होते हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, जातकों पे भरोसा किया जाता है हर प्रकार से। ये मान के चलिए जो अपना काम करेंगे वो बहुत गुप्त रूप से काम करने वाले ये लोग होते हैं, थोड़ा सीक्रेट रख के काम करने वाले भी देखे जाते हैं। अपने प्रोफेशन में जब बात करें, जो ये अपनी जीवन में जो भी काम करेंगे तो अपने मतलब से मतलब रखना, चीज़ें जो हैं चुपचाप करना, तो इनका ये जो है स्वभाव होता है मकर राशि में जब चंद्रमा पहले घर में बैठा होता है। बहुत धैर्य से काम लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल आप इनको कह सकते हैं, विनम्र के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, धैर्यवान होते हैं, अपने जीवन में बहुत एम्बिशियस भी होते हैं, बहुत चीज़ें पाना चाहते हैं, लॉयल होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, और रिसोर्सफुल भी होते हैं। मतलब इन लोगों को काम निकालना, काम बनाना जो है इन लोगों को अपने जीवन में किसी ना किसी तरीके से आता है, ये लोग काम निकाल के सहजता से ले जाएंगे। और इन लोगों को, ये दूसरों की बातों को समझने वाले भी होते हैं, अंदर से कोई भी छुपी बात है ये लोग उसको निकालना भी चाहेंगे दूसरों से, और ये लोग समझ भी लेते हैं। इन लोगों को जैसे चंद्रमा अपना जो चंद्रमा का एक ये गुण भी है वैसे कि वो अंदर की बातें समझ लेता है लोगों को, अगर बहुत बली होता है, उसकी छठी इंद्रिय बहुत सक्रिय होती है, तो यहाँ मकर राशि में पहले घर में बैठ के वो दूसरों के रहस्यों को जानने के इच्छुक भी होंगे, और उनको पता भी चल जाएगी वो बात। इन लोगों को अपने जीवन में स्त्रियों से बहुत फ़ायदा होता है जिनके भी मकर राशि में प्रथम घर में चंद्रमा बैठा होता है, और चंद्रमा जब बलि होते हैं यहाँ पे,
हर प्रकार से षड बल में, उनको कोई खराब कंजंक्शन नहीं होता, कोई खराब ग्रह नहीं देख रहा होता, नवमाशा में भी सुंदर होते हैं, तब स्त्रियों से इन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, माता का सुख प्राप्त होता है, इनको पिता का सहयोग प्राप्त होता है, भाई बहनों से जो है इनको प्रेम प्राप्त होता है, उनका स्नेह प्राप्त होता है, घर इनको प्राप्त होता है, घर का सुख होता है, वहाँ शांति होती है, घर में धनवान होते हैं फिर ऐसे लोग, गंदगी से ये लोग दूर रहने वाले होते हैं, इन लोगों को साफ सफाई ज़रा ज़्यादा पसंद होती है, सिस्टमैटिक ढंग से काम करने वाले होते हैं, ये नहीं है कि कोई उड़ा उड़ा काम करेंगे, इनको डिसिप्लिन नहीं होगा काम में, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं। और एक इनकी सबसे अंदर और सुंदरता होती है कि ये सेट काम को करने वाले होते हैं, बहुत नए आइडियाज़ ये लोग जो हैं अपने जीवन में नहीं अपनाने वाले होते हैं, जो सेट पैटर्न चला आ रहा है उसी पे वो लोग चलेंगे, कोई नई चीज़ नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि ये लोग इन किसी प्रकार का इनको अपने जीवन में रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाए, किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन से ये लोग बच पाएँ जिसमें किसी प्रकार की इनको समस्या उत्पन्न हो। तो बहुत सुंदर स्थिति होती है जब चंद्रमा पूर्ण बलवान हो और प्रथम घर में बैठा हो मकर राशि में, लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो मकर राशि में और किसी प्रकार से वो षडबल में कमज़ोर हो, उसको कोई बुरे ग्रह देख रहे हो, नवमाशा में अगर उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो उस समय जो है यहाँ पे प्रभाव बदल जाते हैं, मकर राशि में जब चंद्रमा बैठा होता है तब जातक जो आप समझ लीजिए कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल होते हैं, ऐसे में उन लोगों को शारीरिक कष्ट प्राप्त होते हैं, उनके अंदर उत्साह की बहुत कमी होती है, एक जीवन जीने का जो उत्साह होता है वो बहुत कमी होती है, थोड़े विचित्र विचारों वाले भी आप कह सकते हैं, कुछ अलग सोच लेंगे, अलग बात कह देंगे तो लोग थोड़ा उनकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे, तब जब चंद्रमा शुभ नहीं है और मकर राशि में प्रथम घर में बैठा हो तो इन लोगों को अजीब सी विचारों वाला आदमी कह देंगे या उनकी बातों को जो है तथ्यपूर्ण नहीं मानेंगे, फिर जो है कई बार इनके अंदर स्त्री युक्त गुण भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब चंद्रमा यहाँ बैठा होता है प्रथम घर में, बहुत ज़्यादा जो है एकदम से डोमिनेटिंग या एग्रेसिव या जीवन को एकदम से एक्शन रूपी में लेके ना लेके थोड़ा सा और नरम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जीवन में, अगर चंद्रमा यहाँ पे पूर्ण रूप से आप देखिए अगर बल नहीं उसको प्राप्त है, और कभी कभार जो है काम में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, मतलब लस्ट में बहुत ज़्यादा उनके अंदर की वासना जो है वो बहुत प्रबल हो जाती है, जिसकी वजह से इनको दिक्कत उठानी पड़ती है, धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं और धोखाधड़ी खुद करने की तरफ भी बढ़ जाते हैं अगर चंद्रमा यहाँ पे अच्छा ना हो, तब आप ये समझ लीजिए तब ऐसे में इन जातकों पे जब चंद्रमा पहले घर में बैठा हो मकर राशि का और वो अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो, कमज़ोर हो किसी भी वजह से, तो लोग इनके ऊपर जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं कई बातों को, इन्हीं बातों को लेके ये थोड़े हठी भी हो जाते हैं, तब चंचल भी होते हैं उस समय, इनका माइंड स्थिर नहीं रहता या किसी बात पे अड़ जाएंगे, चाहे वो सही बात हो या ना हो उसको देखे बिना, व्यवहार भी इनका तब रूखा हो जाता है, कंजूस भी हो जाते हैं लोगों के प्रति, कोई भी हो परिवार या किसी के भी प्रति ये लोग कंजूस हो जाते हैं, कई बार ये जो बहुत कठोर हो जाते हैं, पाषाण हो जाते हैं, हृदयहीन कई लोग जो है बन जाते हैं जब मकर राशि का चंद्रमा पहले स्थान पे बैठा और वो शुभ फल ना प्रदान कर रहा हो। दोस्तों जब हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रमा जब दूसरे ग्रहों के साथ पहले स्थान में बैठा होगा तो किस प्रकार का फल देगा, यहाँ पे चंद्रमा जो है जब सूर्य के साथ बैठे होते हैं तो काफ़ी परेशानी का समय हो जाता है ये, क्योंकि मकर राशि के लिए जो है सूर्य देवता जो है अष्टम स्थान के स्वामी हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ा कष्टपूर्ण हो जाता है, रोगों की समस्या सरकार से अधिकारियों से उनके तरफ से समस्या बढ़ जाती है, अमावस्या का जन्म होता है ये, तो उपचार करना उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय में। जब चंद्रमा पहले घर में मंगल के साथ बैठे होते हैं मकर राशि में तो सुंदर योग है यहाँ पे, महालक्ष्मी योग बनेगा बहुत सुंदर, चंद्रमा यहाँ पे मंगल यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, हर प्रकार का धन इनको प्राप्त होगा, महाधनी
सकते हैं, हर प्रकार के इनको भौतिक सुख प्राप्त होंगे, अच्छी उम्र भी हो जाती है इनकी, तब दीर्घायु होते हुए जातक ऐसे देखे जाते हैं, सुंदर योग है ये। जब चंद्रमा पहले घर में बुध के साथ बैठे होते हैं मकर राशि में जातकों के, तब बहुत विद्यावान होते हैं, विद्या की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं, स्किल्ड होते हैं किसी न किसी रूप में, भाग्य इनका साथ देता है हर प्रकार से। नौकरी, ये लोग नौकरी की टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि जीवन में नौकरी गए और बहुत सुंदर तरीके से नौकरी करते हैं, तब और गुण बढ़ जाते हैं अपना रिसोर्सफुलनेस के, काम निकालने के, बहुत सुंदर ये स्थिति है जब चंद्रमा बुध के साथ पहले स्थान पे बैठते हैं। तो चंद्रमा जब बृहस्पति के साथ पहले स्थान में यहाँ पे बैठते हैं, तो बृहस्पति यहाँ पे जो है अपनी नीच राशि में बैठे होते हैं, तो थोड़ी परेशान, लेकिन यहाँ ये आपको बता दूँ कि थोड़ी सी परेशानी के बाद उपलब्धियाँ अवश्य मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे आप परेशानियाँ सब चीज़ों में कह लीजिए जीवन में, लेकिन अंततः आपको हर प्रकार का सुख चंद्रमा और बृहस्पति जब पहले घर में बैठे होंगे मकर राशि के, तो आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे कुछ रुकावटों के बाद, कुछ परेशानियों के बाद, कुछ आपकी सीखों के बाद, आपको सिखाने के बाद, आप जब उन रास्तों पर चल पड़ेंगे तो आपको अंततः प्रॉफिट हो जाएगा। जब चंद्रमा और शुक्र पहले घर में बैठे होते हैं मकर राशि में, तो बहुत सुंदर चीज़ होती है, जातक सुंदर होता है देखने में, पार्टनर बहुत सुंदर होता है, सुंदर कार्य करने वाले होते हैं, आराम से काम करते हैं, इनके आराम से काम बनते भी हैं, जल्दी भी काम बन जाते हैं, शीघ्र काम बन जाते हैं, विद्यावान होते हैं हर प्रकार का, हर प्रकार का इनको सुख प्राप्त होता है अपने जीवन में। तो चंद्रमा और शुक्र की स्थिति पहले घर में बहुत सुंदर है, और विवाह के बाद स्थिति और सुंदर हो जाती है, अच्छी बन जाती है। चंद्रमा जब शनि के साथ पहले घर में बैठे होते हैं, शनि अपने ही घर में बैठेंगे और शश योग बनाएंगे सुंदर अपने ही घर में बैठ के केंद्र में, और हर प्रकार का जो है उनको लाभ प्राप्त होगा, पार्टनर के साथ दोनों में अच्छी मैत्री भी होगी, सब प्रकार के सुख लाभ, हर प्रकार की चीज़ें, धन परिवार कुटुंब सब कुछ प्राप्त होगा। यहाँ पे आदमी जो है थोड़ा गौर गंभीर होगा, यहाँ पे थोड़ा आदमी डिसिप्लिन ज़्यादा होगा, यहाँ पे आदमी थोड़ा जो है ऐसा जातक जो है जीवन को ज़्यादा गहराई में समझने वाला होगा, समझदार आप उसको कह सकते हैं, मैच्योर लाइफ में बढ़ती उम्र में जब उम्र बढ़ेगी तब उस समय बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, लोग इनसे सलाह अवश्य ले सकते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि जब चंद्रमा और शनि पहले घर में मकर राशि के बैठे होते हैं तो हर प्रकार की आप ये समझ लीजिए अपने मन पे ये जीत प्राप्त कर चुके होते हैं। जब चंद्रमा और राहु पहले घर में बैठे होते हैं तो ये स्थिति थोड़ी जो है अच्छी नहीं है, वैवाहिक परेशानी होती है, सब प्रकार की परेशानियां जीवन में आपको समझ लीजिए आएंगी, विवाह में परेशानियां आएंगी, भाग्य में, विद्या में, सुख में, तो ये स्थिति ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है। इस समय आपको कुछ उपाय अवश्य करने यहाँ पे पड़ते हैं जब चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हों। चंद्रमा और केतु जब पहले घर में मकर राशि के बैठे होते हैं तो मेहनत के बाद जो है धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है ऐसे में, लेकिन हाँ जब चंद्रमा और केतु पहले घर में बैठे होते हैं तो वैवाहिक परेशानी अवश्य आती है, जीवन में संतुलन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पार्टनर के साथ, संतान अवश्य प्राप्त होती है ऐसे जातकों को। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उपायों की, कौन कौन से उपाय करें मकर राशि की, जब चंद्रमा पहले घर में बैठा हो और किसी प्रकार के ग्रह की युक्तियों की वजह से या अन्य किसी वजह से आपकी पत्री में अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो आपको कौन से ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिए जिससे आपका चंद्रमा बली हो, क्योंकि चंद्रमा का बली होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे जीवन में एक्शन को कैसे करना है ये दर्शाता है, ये बताता है। तो मन है हमारा, माइंड है हमारा, सुख है हमारी, सुख की नींद है, तो इसको बलवान करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे जातक जो है पीपल की पेड़ में अवश्य जल डालें, शनिचर को तो ज़रूर से जल डालें, उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, हर प्रकार का उनको फल प्राप्त होगा, शुभ प्राप्त होगा इससे। कृष्ण की पूजा ऐसे में करना जो है बहुत लाभदायक होगा, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा,
जब आप कृष्ण की पूजा करेंगे और गरीबों की, जो बेसहारा हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी सहायता अवश्य करें। जो ये काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स हैं, कोई रिक्शे वाला है, कोई मजदूर है, उससे बहुत ज़्यादा पैसों को लेके झिकझिक ना करें। उनको शायद आप उनको जो पैसा वो लोग कहें, उचित पैसा कहें, वो अवश्य आप उनको दे दें, उनकी उसी से सहायता होगी। आशा करता हूँ दोस्तों, जिनकी पत्नी में भी मकर राशि में चंद्रमा प्रथम घर में बैठा होगा, वो अवश्य अपने सुंदर पॉइंट समझेंगे, और किसी प्रकार की भी अगर उनको जीवन में परेशानी चल रही होगी तो वो उपाय करके उसको अवश्य दूर करेंगे। दोस्तों, जय श्री कृष्ण।